नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे कंपनी का जो कंपनी नाम से तो कुछ और लग लगता है, लेकिन ऐसे एक्चुअली कंपनी किसका है वो आप समझ सकते हैं। इसमें जो ब्रांड लगा हुआ है वो बजाज का लगा, और कंपनी का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर्स। पहले तो हमें लगा कि गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी स्कूटर्स इंडिया के ऊपर एक स्टडी किया था जो कि गवर्नमेंट PSU है, और अभी ये कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, जो कि बजाज कंपनी की ही एक कंपनी है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इसके बारे में समझेंगे क्या करती है कंपनी, क्या क्या है कंपनी के बारे में। तो निकल के आता है महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड जो है इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड एन अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाइज, जिंग्स, फिक्चर्स एंड डाइज कास्टिंग्स कंपोनेंट्स, प्राइमरली फॉर द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑटोमोबाइल से जो पार्ट्स बनते हैं उस पार्ट्स में जैसे जिंक्स हो गया, फिक्चर्स हो गया, एडाइस कास्टिंग्स हो गया, ये सारी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कंपनी किसकी है? बजाज की। अब जानते हैं कंपनी के बारे में आगे आगे इसके वेबसाइट्स पे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आते हैं, इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से। इनकी प्रोफाइल पे इस तरह के कुछ भी नहीं चलता, केवल और केवल लिखा हुआ है जो महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। क्लियरिटी लिखा हुआ है ये जो कंपनी है ये बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी कंपनी है, और BSE के ऊपर लिस्टेड है इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। BSE ने इस पर लिस्टेड कंपनी है। इसके यहाँ पे नीचे कुछ फाइनेंशियल्स रिजल्ट वगैरह चल रहे हैं, बाकी यहाँ पे कुछ कुछ काम धंधा की बात नहीं करता है यहाँ पे कंपनी। काम धंधा की बात हमने अदर वेबसाइट से किया जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और इसकी चार्ट में हम देखेंगे चार्ट में क्या निकल के आता है। जहाँ पे स्टॉक में कुछ दिनों से लगातार एक गिरावट था, गिरावट में कुछ दिनों के बाद इसलिए क्योंकि मार्केट में रिसेंटली इसमें गिरावट 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 देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट ने एक स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट किया है और एक एवरेज प्राइस के आसपास आके खड़ी हुई है। और एवरेज प्राइस देखा जाए तो ये एवरेज प्राइस मायने रखेगा अगले इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या अगले चार्ट की रिएक्शंस के लिए, और ये हमेशा होता है, ये मार्केट की साइड से होता है। और हम फंडामेंटल्स को समझने का प्रयास करेंगे महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड के बारे में, जो देखा जाए तो करीब 7800 रुपये के आसपास प्राइस है और 1.25% के आसपास इंक्रीज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखा जाए तो 52 वीक की हाई करीब 8600 के आसपास गया था, और लो की बात करें तो करीब 5200-5300 के आसपास मारते हैं। अर्थात स्टॉक अच्छी खासी चलने वाली स्टॉक्स जो है वो निकल के आती है, और बजाज की कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ऑब्वियसली चलना तो चाहिए। बजाज की तरह इसका प्राइस भी काफ़ी बड़ा है, फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, और PE की बात करें तो करीब 44 के आसपास निकल के आती है। PB करीब थोड़ा सा छोटा, और ROE कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल के आसपास कामकाज करती हुई। और यहाँ पे देखा जाए तो ये बेसिकली वहाँ पे क्या कर रही थी कंपनी, मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चर इन द अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग तो करती है लेकिन अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट में काम करती है। इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू जो है इस कंपनी का वो निकल के आता है 23,640 रुपये पर शेयर। इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का यदि बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो मार्केट कैप क्यों इतनी छोटी है? मार्केट कैप करने का मतलब ये मार्केट कैप ये रहा, और मार्केट करंट रेट इसका 7,700 के आसपास निकल के आते हैं, 7,800 मान लेते हैं। ये था इसका बुक वैल्यू। कब इस कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो क्या ये इस बुक वैल्यू को मैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जानते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे BSE 500 के अंदर इंडेक्सेशन में है, और साल एक साल की चार्ट को ले सामने, एक साल की चार्ट में अच्छा खासा मोमेंटल देखने को मिला, फिलहाल कुछ स्टार्टिंग में देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनती नज़र आई, और ये एक एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट कामकाज करती नज़र आ रही है। यदि मैं इसको मैच करूँ तो देखिए इसी के आसपास, एवरेज प्राइस के आसपास, इसी के कहते हैं ना जो सपोर्ट्स लेवल्स हैं वो सपोर्ट्स लेवल इसी के आसपास निकल के आती थी, जहाँ से नीचे नहीं गया, नीचे एक बार गया था लेकिन इससे थोड़ा सा पीरियड के लिए गया था, लेकिन बाद में वही सपोर्ट लेवल पे आके खड़ी हो गई। इसके लिए ये
सपोर्ट के बाद दोबारा चलने के लिए तैयार, और रिसेंटली इसने लगता है इसके जो हाई पॉइंट्स था उसको तोड़ा था, तो उसको ब्रेकआउट करने के प्रयास करेगा, जिसको पहला ब्रैकेट पहला होगा टारगेट इसके लिए ये, दूसरा टारगेट की बात करेंगे ये, तीसरा के टारगेट का बात होगा ये, जहाँ पे इसकी एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा देखा जाए तो क्या निकल के आती है, सबसे टॉप पे कौन सी काम काज करती है, सबसे टॉप पे मुझे लगता है ये काम काज करती नज़र आती है। चलेंगे आगे और फिलहाल एक कुछ पीरियड का चार्ट देखें, जहाँ पे 1 महीने की ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, ट्रेंडिंग ये दर्शाती है जो ये यहीं के आसपास था और इसी के एवरेज के आसपास देखा जाए इसकी प्राइस ये होना चाहिए था, और इसी के आसपास कायम ये जो गिरा और गिरा था मार्केट में एक पैनिक की वजह से, छोटा सा पैनिक, उसके बाद मार्केट फिर चलना चाहिए था, वो चलता नज़र आ रहा है मार्केट के हिसाब से, जो कि यहाँ से चलना चाहिए था वो वहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा सा चलना, और मार्केट में सर एक वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से मार्केट पैनिक हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी नहीं होता, अब के सामने मैंने नंबर ऑफ ट्रेड रखा तो काफ़ी इसमें ये मंथली डेटा निकल के आती सर। आगे क्या कहती है कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो लेटेस्ट अपडेट में कंपनी का कुछ ऐसा 7 तारीख को निकल के आता है डिडक्शन ऑफ द शोर्स, इस पर एक शेयर होल्डिंग रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन ऑफ द शोर्स TDS ऑन द डिविडेंड्स पार्ट, डिविडेंड इनकम के लिए कहा है कंपनी ने, कम्युनिकेशन सेंट टू शेयर होल्डर के पास भेजा था। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखा जाए तो अभी 28/6 को इसका है एक्स डेट, कहने का मतलब रिकॉर्ड डेट, और ₹60 का डिविडेंड पे करेगी, और इस हिसाब से देखा जिसके फेस वैल्यू शायद ₹10 के आसपास था या ₹5 का था, तो ₹5 की यदि फेस वैल्यू थी तो मैं देखूं जरा दोबारा फेस वैल्यू की तरफ नज़र उठा के, तो फेस वैल्यू की नज़र आती थी हमारे पास कितने की, ₹10 की, ₹10 की फेस वैल्यू पे यदि ₹60 का डिविडेंड दे रही है, अर्थात ये देखा जाए तो करीब कितना 600% का डिविडेंड दे रही है एक पीरियड में, जबकि स्टॉक की प्राइस भी काफ़ी अच्छी खासी 8,000 के आसपास है, यदि थोड़ी सी गिरेगी तो वो नीचे ढुलक जाती है, इससे पहले अच्छा खासा डिविडेंड दिया था कंपनी जो कि देखा जाए तो। अब आगे चलते हैं रिजल्ट की पार्ट की तरफ, और रिजल्ट की पार्ट में इस कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल था उतना बड़ा नहीं था, करीब 5 करोड़ के आसपास निकल के आती थी, नेट प्रॉफिट भी उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि इसका यदि हम कंसोलिडेट डेटा को कंपेयर करके देखें तो क्या नज़र आती है, इसमें कंसोलिडेटेड डेटा कुछ है नहीं, जो है वही है, इसका पीरियड देखें तो 23 के इस पीरियड के हिसाब से 5 करोड़ के आसपास था। सितंबर में इसमें क्या हुआ जिसमें एक ही बार में 205 करोड़ का आ गया रेवेन्यू, सेल्स इंक्रीज कर जाता है, और सेल्स कई बार इनका देखो देखने को आती है, कई बार इंक्रीज किया है इनका, सितंबर सितंबर में देखा तो सितंबर 23 में इंक्रीज करती है, सितंबर 22 में इंक्रीज करती है, इससे पहले देखा जो सितंबर 21 में, मतलब सितंबर के अंदर ही कुछ है क्वार्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस के लेवल के हिसाब से, जहाँ पे इनके सेल्स में काफ़ी मोमेंटल देखने को मिली, अच्छा खासा जम देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखो जो कि 14-13% के आसपास था, वहाँ सितंबर में देखा जाए तो करीब 97% मार्जिन हो जाती है, फिर सितंबर में देखो तो 96% के आसपास मार्जिन होती है, फिर से देखो अर्थात ये सितंबर सितंबर में इनके पास जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है इनकी सेल्स। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं नेट प्रॉफिट की पार्ट, नेट प्रॉफिट की पार्ट क्या दर्शाती है, नेट प्रॉफिट के पार्ट में ये दर्शाती है जो इनके पास जो है नेट प्रॉफिट कुछ नहीं बचा है, करीब 10 लाख रुपए के आसपास बचा था, और ये इस सितंबर सितंबर में देखा है तो काफ़ी अच्छा 200 नियरली 200 करोड़ के आसपास पहुंच जाता था। ईयर टू ईयर को कंपेयर करके देखा जाए तो क्या निकल के आती है, ईयर टू ईयर में देखा जाए तो करीब पिछले साल से ये काफ़ी ग्रोथ लेवल 223 करोड़ के आसपास देखने को मिला, और इसको ये कहा जा सकता है ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से तो ये फर्स्ट ऑफ द ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से फर्स्ट ऑफ द टॉप्स रहा है, इसके बेसिस पे देखो तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 91% के आसपास रहा, अर्थात कंपनी का कोई क्या कहते हैं कंपनी का कुछ खर्चे नहीं है, जो कि है जो भी है वो ऑपरेट वो उनके पास प्रॉफिट ही बचती है, ऑपरेटिंग कुछ खर्चे तो है नहीं, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो करीब 200 करोड़ के आसपास का इनका टोटल नेट प्रॉफिट बनता है, क्योंकि पिछले साल भी 195 करोड़ के आसपास, और 100 इतना नहीं कभी बना है जो कि इस लेवल पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। इसके बाद देखा जाए तो डिविडेंड पे आउट की बात, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करीब करीब 97% के आसपास का संकेत देता है। आगे चलते हैं कंपाउंड सेल की तरफ, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ पे 94% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली, अच्छी ग्रो लेवल देखने को मिली है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी करीब 2-3 साल में 184% के आसपास देखने को मिला।
जो प्राइस है वो CAGR के हिसाब से देखा जाए, ये भी एक साल में करीब 44%, बाकी थोड़ा सा डाउन साइड है। इसमें उतना बड़ा पुल बैक नहीं था, एक एवरेज से देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें हल्की सी डाउन साइड देखने को मिली, और यहाँ भी इसमें उस लेवल से डिक्लाइन ही मिला है। अर्थात कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट अच्छे निकल के आते हैं और 1 पॉइंट में थोड़ा सा एवरेज, और तीसरे पॉइंट में निगेटिव की शो करती नजर आती है। अब इसके जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है 51% जो है वो है प्रमोटर के पास और 49% बची है पब्लिक के पास। तो जो प्रमोटर के पास है, प्रमोटर के पास में बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है मेन होल्डिंग्स। उसके बाद देखा जाए इनके पास यदि FI की FI भी पोजिशन यहाँ पे है, करीब 4% से ज़्यादा की पोजिशन में है। DI की बात करूँ, DI भी 5% के आसपास पोजिशन में है, और DI में देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है 3% से ज़्यादा, और पराग फारिक्स फ्लैगशिप कैप है इन पे 2%, जो कि हमेशा बना हुआ है। और इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है लिस्ट में, जो पराग फारिक फंड यहाँ पे अपनी फंड को धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, ये इनके लिए एक, उनको लगता है मार्केट इसके लिए और भी एक्सपेक्टेशंस के साथ कामकाज करती होगी। गवर्नमेंट कुछ है नहीं, पब्लिक के बात चर्चा करें तो पब्लिक में करीब 40% के आसपास होल्डिंग है, जिसमें से उनके कुछ सीडी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एक कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे एक एक, एक परसेंट 2-2% की निकल के आती है, दिसाया ब्रदर्स लिमिटेड, और इनके पास भी 1%। और सबसे बड़ा पोजिशन जो दिखती है वो दिखती है इसके पास, जो कि कंपनी है सीडी क्विक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास करीब 5% के आसपास की होल्डिंग है। स्टार्टिंग से होल्डिंग देखने को मिलती है 5% के आसपास। अब चर्चा करें इसकी लेटेस्ट कीजिए, और लेटेस्ट में एज ऑन डेट अभी तक में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल रही है एज ऑन कट ऑफ डेट के हिसाब से देखा जाए, जैसे 5 साल, 3 साल, 2 साल को कंपेयर करके देखा जाए तो निकल के आती है जो स्टॉक एज ऑन डेट पे क्या परफॉर्मेंस लेवल है, वो एज ऑन परसेंटेज ग्रोथ क्या दर्शाती है। तो परसेंटेज ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ये निकल के आती है जो इसके पास पूरे 10 सालों में 1100%, 5 सालों में 70%, 3 सालों में 100% और 2 सालों में 109%। ऐसे ही 1 साल में थोड़ा सा कम देखने को मिला, नियरली 44% के आसपास। तब भी देखा, मैं तब भी कंपेयर करता हूँ जो यदि किसी अदर इन्वेस्टमेंट का है वहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 8 से 10% में मान लेता हूँ। इस बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे 44% मिलता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसे किए। तो यहाँ पे 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है, 110 रुपये, और यहाँ बनते हैं 144 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ है, स्टॉक मार्केट में एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। स्टॉक मार्केट कहते हैं हमेशा एक रिस्क फैक्टर की इससे ही कामकाज करती नजर आती है। हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसके पीयर्स कंपनी को देखेंगे जिसमें ढेर सारा कंपनियाँ हैं, हम मौका मिलेगा उसको भी कंपेयर करके देखेंगे किसका परफॉर्मेंस किसके लेवल पर अच्छा नज़र आता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र स्कूटर्स कंपनी की लिमिटेड की, जो कि बजाज होल्डिंग्स कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और कामकाज करती नज़र आती है, और अच्छा खासा चार्ट इसका डेवलप मोड में एक एवरेज प्राइस के आसपास की इसकी वैल्यूशंस देखने को आती है, जहाँ पे लगातार इसके एक सपोर्ट लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल पे फिलहाल ये पहुँचा हुआ स्टॉक और अच्छा खासा मोमेंटम के लिए तैयार होता है। ये इसके लिए हमने रिव्यू ओवरव्यू समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।